हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विश्वजीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्विंकल विश्वजीत। फ्रेंड्स, अगली बार एक वीडियो बनाया था, उस टाइम हमने बोला था एक एम्पलीफायर ऑर्डर किया है, वो आएगा, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और फ्रेंड्स वो आ गया है। देखिए, ये जो हुपर देख रहे हैं ये 80 वाट का हुपर है, और इसका वीडियो हमने अगली बार बनाया था। और इसका और साफ हुपर में क्या डिफरेंट है वो वीडियो बनाया था, और इसका जो वीडियो का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए ये जो एम्पलीफायर हमने ऑर्डर किया था, कौन कंपनी का ऑर्डर किया था, सब कुछ आपको हम बोलेंगे। और अच्छा सॉन्ग लेने के लिए, अच्छा गाना सुनने के लिए तो आपको क्या एम्पलीफायर लेना चाहिए वो हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए, ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसलिए हमने पहले से सील काट के देख के लिया था। और फ्रेंड्स, आप भी देख के लीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस भी थोड़ा सा हमको ज़्यादा लगा, लेकिन फ्रेंड्स ये चलाने के बाद समझ में आएगा कि इसका प्राइस जो लिया है वो सही लिया है कि नहीं। और फ्रेंड्स, ये 2-in-1 है, मतलब दो सैटेलाइट स्पीकर और एक साल ऊपर लगा सकते हैं, और 200 वाट का। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। देखिए प्रोडक्ट नेम है IoT 201 BTE प्रोडक्ट नेम। देखिए IoT ऑडियो कंपनी का है। और फ्रेंड्स, इसका जो आपका पावर सप्लाई जो है, पावर सप्लाई देखिए ये DC 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, मतलब आप DC 12 वोल्ट भी दे सकते हैं और 24 वोल्ट। आप ध्यान रखिए 24 वोल्ट ना देके थोड़ा सा कम दे के चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। और ये देखिए 10 एम्पियर आपको लगाना है पावर सप्लाई देने के लिए, 10 एम्पियर और 12 से 24 वोल्ट। और फ्रेंड्स, इसका कम एम्पियर अगर देंगे तो वो भी चलेगा। और देखिए ब्लूटूथ फंक्शन 5.0 है, और L&R आउटपुट 50 वाट प्लस 50 वाट, 50-50 वाट का स्पीकर लगा सकते हैं दोनों सैटेलाइट स्पीकर। और फ्रेंड्स देखिए, साफ ऊपर आप 100 वाट का लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, आप पढ़ के इसका कनेक्शन करिएगा, तभी आपको अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 100 वाट साफ ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हमने ऊपर लिया है 80 वाट का, ये भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये भी चलेगा। आज आपको बजा के आपको हम सुनाएंगे आज कितना क्या क्वालिटी है नहीं है, और इसका जो प्राइस है सब कुछ आपको बोलेंगे। और देखिए 4 ओम्स का आप स्पीकर सब ऊपर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही छोटा एम्पलीफायर है, और यहाँ पर देखिए सब कुछ कनेक्शन, मतलब आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ तार वायर लगाना है, पावर सप्लाई देना है, स्पीकर का वायर लगाना है और पावर सप्लाई देना है, और कुछ नहीं। और देखिए ऐसा करके आप स्क्रू खोल के यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 से 24 वोल्ट दिया हुआ है, और साफ ऊपर के लिए भी दिया हुआ है, और दो सैटेलाइट स्पीकर के लिए दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप ऑक्स भी लगा सकते हैं, मतलब मोबाइल से आप मोबाइल का जो ऑक्स केबल होता है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, उसके बाद गाना बजा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ब्लूटूथ वर्सन भी है, ब्लूटूथ में ही आपको आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, 2-in-1 7 होम ऑडियो एम्पलीफायर है। और फ्रेंड्स, ये हमने परचेस किया इसलिए, देखिए यहाँ पर 4 नॉब्स हैं। देखिए ये जो नॉब्स है ये साफ ऊपर के लिए, साफ ऊपर का वॉल्यूम के लिए, और ये जो है ये बेस के लिए, देखिए ये बेस बढ़ाने के लिए। और उसके बाद जो है ये ट्यूटर, मतलब ये आपका जो सैटेलाइट स्पीकर होगा उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। और ये जो लास्ट में जो वॉल्यूम है, लास्ट में जो वॉल्यूम है ये आपका मास्टर वॉल्यूम है, ये सारे के सारे कंट्रोल करेगा ये वॉल्यूम। तो फिर मेरे को अच्छा लगा ये देखने में भी, और जो हमने रेटिंग देखा सब कुछ हमने देख के हमने ये परचेस किया। और चलिए इसको हम आपको खुल के जैसे दिखाते हैं, खुलने के बाद ये अंदर कैसे दिखते हैं। देखिए अंदर बाहर से जब आपको बढ़िया नज़र आ रहे हैं, अंदर क्या है नहीं है सब कुछ हम देखेंगे। और फ्रेंड, यूट्यूब में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा ऐसा एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर मिलना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड सभी ने इसका अच्छाई के लिए बोलेगा, और इसका बुराई क्या है, खराबी क्या है ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आज बोलेंगे इसका खराबी की भी क्या है। देखिए ओपन करने के बाद, देखिए अंदर एक ब्लैक कलर का ये देख रहा है हीट सिंक दिया हुआ है, ये IC को ठंडा करने के लिए हीट सिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है, देखिए सब मतलब छोटा छोटा रेजिस्टेंस है, पहले ज़माने का जो रेजिस्टेंस डायोड होता है बड़ा बड़ा वो नहीं है, यहाँ पर सब कुछ रेजिस्टेंस डायोड सब कुछ छोटा छोटा लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, इसका खराबी भी, मतलब इसका खराबी क्या है नहीं है सब कुछ आपको वीडियो का एंड में बोल देंगे, और इसका प्राइस भी बोल देंगे, अंत बन रही है।
तो चलिए इसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद आपको गाना बजा के सुनाएंगे। देखिए इसको हम लगा दिया। लगाने के बाद चलिए इसका देखिए एक नॉब है यहाँ पर दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, ये आपको मूड चेंज करने के लिए। मान लीजिए आप अगर कोई पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसका पॉप सॉन्ग के लिए आप मूड चेंज कर सकते हैं, और डीजे गाने के डीजे सॉन्ग के लिए भी आप मूड सॉन्ग मतलब चेंज कर सकते हैं, और अगर स्लो मोशन का कुछ गाना सुन रहे हैं आप उसका भी आप मूड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्या काम है नहीं है सब कुछ आपको दिखाएंगे अभी, वीडियो में बना रही है। और फ्रेंड्स बहुत ही एक छोटा एम्पलीफायर है, और देखिए फ्रेंड्स हमने कनेक्शन कर दिया और यहाँ पर एक पावर सप्लाई दे दिया और साफ ओवर लगा दिया। बाद में और दो स्पीकर लगा के आपको सुनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए ये जो हुपर लिया था, हुपर को हम एक कार्टून के अंदर कार्डबोर्ड का जो कागज़ का जो कार्टून होता है उसके अंदर हम ये फिट कर लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और देखिए एक पावर देने के लिए 12 वोल्ट का एक स्टेबिलाइजर बनाया था, और फोर एम्पियर 12 वोल्ट का है। ये कैसे बनाया ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो का जो लिंक है उसको क्लिक करिए और उसको उसमें आप ये कैसे बनाया ये आपको मिल जाएगा देखने में। और ये 12 वोल्टेज 4 एम्पियर है लेकिन इसमें भी ये चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अब अगर 100 वाट का अगर साफ ऊपर और 50 वाट करके अगर 60 लाख स्पीकर अगर देंगे तो उसके लिए आपको 20 वोल्ट और 8 एम्पियर होना चाहिए, नहीं तो आपको बाजेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं बाजेगा। जितना साउंड होना चाहिए जितना बेस मिलना चाहिए उतना नहीं आएगा। आपको सही से सब कुछ कनेक्शन करना है उसके बाद ही आपको अच्छा साउंड मिलेगा। और फ्रेंड्स देखिए हमने ये कनेक्शन कर दिया, चलिए स्विच दे देते हैं। फ्रेंड्स ये जो स्टेबिलाइजर बनाया है 240 वोल्ट एसी करंट से 12 वोल्ट डीसी करंट कैसे निकलता है ये आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए इसको हम देखिए कनेक्शन दे दिया और यहाँ पर एक देखिए लाइट ग्लो कर रहा है, ये अच्छा है। अब अगर अंधेरे में मतलब नाइट में अगर गाना सुनेंगे तो ये जो बोर्ड कहाँ रखा हुआ है नहीं है सब कुछ आपको देखने में मिल जाएगा, लाइट जब जलेगा। तो चलिए इसको हम वॉल्यूम बढ़ा के आपको गाना सुनाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाते हैं और आपको इसका जो ऑडियो है वो आपको सुनाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए पहले हमने ये जो स्वीपर था इसको हम इस मशीन से चलाया था, लेकिन इस मशीन इतना बड़ा मशीन लेकिन उतना अच्छा बेस नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो छोटा मशीन परचेस किया इसमें हम अगर चलाएंगे तो कितना बेस होगा नहीं होगा सब कुछ आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। और आप फ्रेंड्स हेडफोन यूज़ कीजिएगा क्योंकि हेडफोन ना होने से आपको मोबाइल का जो स्पीकर है ये छोटा स्पीकर है इसमें से आप अच्छा सॉन्ग नहीं सुनने को मिलेगा, इसलिए आप हेडफोन यूज़ कीजिए। इसके बाद ही आपको पता चलेगा जो इसका बेस कितना हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ आपको पता चल जाएगा, हेडफोन यूज़ कीजिए। और फ्रेंड्स चलिए इसको हम चालू करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा के हमको सुनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने दो सैटेलाइट स्पीकर छोटा छोटा था मेरे पास 10 वाट का है ये हमने लगा दिया यहाँ पर, और साहब ऊपर भी लगा दिया कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मतलब ये जो बेस हो रहा है बहुत ही बढ़िया बेस हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स और अगर हम बहुत ही कम मतलब लो वॉल्यूम देख रखा हुआ है और फिर भी इतना बेस मार रहा है, आप अगर 10 एम्पियर अगर देंगे और 20 वोल्ट अगर दे देंगे तो इस स्पीकर का जो ऊपर का जो पर्दा है वो अप डाउन करेगा और बहुत ही अच्छा बेस आपको सुनने में मिलेगा। और ये भी फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बेस मर रहा है क्योंकि आपको अगर घर के अंदर सुनना है साउंड सिस्टम लगा के तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। और ये जो छोटा एम्पियर बड़ा धमाका है, और फ्रेंड्स ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया है 1500 रुपया बड़ा। और फ्रेंड्स इसका जो खराबी ये है ये अगर ख़राब हो जाए कभी भी तो इसको रिपेयर करने के लिए दुकान नहीं मिलेगा और सर्किट भी नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।